नमस्कार, दिल्ली डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक तस्वीर ने प्रवासी नीति में बदलाव करने पर मजबूर कर दिया। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर एक बच्ची के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है, जो अमेरिकी प्रशासन के विवादित जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में बदलाव को दर्शा रहा है। इस पॉलिसी के तहत अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, और इसके कारण 2300 नाबालिग बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर दिया गया। अमेरिका में अवैध तौर पर प्रवेश करने वाले माता पिता से अलग किए जा रहे बच्चों की नीति में बदलाव को लेकर 2 जुलाई को आई मैगजीन की नई एडिशन में एक रो रही बच्ची के साथ ट्रंप और इस तस्वीर को कैप्शन दिया गया है, वेलकम टू अमेरिका। इस बच्ची की तस्वीर पुलित्जर विजेता फोटोग्राफर जॉन मुरे द्वारा ली गई है। 2 जून को एक 2 साल की बच्ची अमेरिका मेक्सिको सीमा पर रोते हुई पाई गई थी। बच्ची की यह तस्वीर दुनिया में ट्रंप प्रशासन की प्रवासी नीति का प्रतीक बन गई। बच्ची होंडुरास की है। बच्चे की मां अमेरिका मेक्सिको सीमा पर हिरासत में ले लिया गया था। टाइम मैगजीन ने अपने इस कवर पेज को सोशल मीडिया ट्विटर पर शेयर किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासी नीति की तीखी आलोचना के बाद बच्चों को उनके माता पिता से अलग करने के नियम को खत्म करने वाला और अप्रैल में हुए अलग हुए परिवार को फिर से मिलाने की नीति वाले कार्यकारी आदेश पर बुधवार को हस्ताक्षर कर दिया। ट्रंप ने मैक्सिको सीमा पर अवैध अप्रवासियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई थी। इसके तहत अमेरिका में दाखिल होने वाले अवैध अप्रवासियों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। कोर्ट का फैसला आने तक ऐसे लोगों को जेल में रखे जाने का प्रावधान है। अमेरिकी प्रोटोकॉल बच्चों को हिरासत में रखने की अनुमति नहीं देता, इसलिए उन्हें माता पिता से दूर शेल्टर हाउस में रखा गया। बच्चों को शेल्टर हाउस, अस्पताल, गोदाम, पुरानी इमारतों में बनाए गए हैं, कुछ तंबू में भी चलाए गए। इन बच्चों की तस्वीर ने ट्रंप की खूब आलोचना करवाई।